वेलकम टू शुभम टेक। आज इस वीडियो में आपको सेंट जॉन्स कॉलेज में जितने भी कोर्सेज हैं सबके बारे में बताने वाला हूं, सब सारे कोर्सेज की फीस बताने वाला हूं, हॉस्टल कितने हैं, हॉस्टल की फीस कितनी है, एक एक चीज में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों एक जानकारी मैं आपको और बता दूं कि इससे पहले मैंने RBS कॉलेज और आगरा कॉलेज है उन दोनों के ऐसी ही वीडियो बनाई है कि उन दोनों कॉलेज में कौन कौन से कोर्स हैं, कितनी फीस है, कौन कौन से हॉस्टल हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उन वीडियोज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये कॉलेज है वो 1850 में फाउंड हुआ है। तो चलिए कोर्सेज देख लेता हूँ मैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं इस कॉलेज में, फिर मैं आपको उसकी एक एक करके फीस बताऊंगा। तो जल्दी से मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ प्रोस्पेक्टस को। अगर आप ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी भी डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, इसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, जो सारे फैकल्टीज हैं आप देखेंगे सारे वेल क्वालिफाइड हैं, PhD होल्डर्स हैं सारे। और अगर जो PhD होल्डर नहीं है तो मास्टर डिग्री तो सारे लोगों पर ही है। वैसे देखिए सब जितने भी टीचर फैकल्टी हैं सब PhD होल्डर हैं। और अभी करंट में जो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं वो भी सेंट जॉन्स कॉलेज से पढ़े हैं। सेंट जॉन्स कॉलेज से बहुत बड़े बड़े लोग ने पढ़ाई करी है। आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जाके इसके एलुमनी देख सकते हैं। तो काफी पॉपुलर कॉलेज है और काफी अच्छा कॉलेज है रैंक वाइज हुआ। और जो ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इस कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिले। चलिए अब कोर्सेज देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इसमें। BA होता है, MA होती है, BSc होती है, MSc होती है, और BCom होता है इसमें, MCom होता है इस कॉलेज में, और BBA होता है, और कुछ कोर्स और होते हैं जैसे BEd होता है, DLed होता है, ये कोर्सेज भी होते हैं। अब अंडर ग्रेजुएट कोर्स यानी BA में टोटल ये सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, और ये BSc में सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं धीमे धीमे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ ऐसे ही, तो आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये BCom वोकेशनल है, ये सब्जेक्ट्स हैं BCom वोकेशनल में। ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं इसमें MA, और MA में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये MCom, ये MSc जूलॉजी से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, मैथ्स केमिस्ट्री बॉटनी ये सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। 2 ईयर की होती है MSc। ये एक्स्ट्रा वेटेज मार्क्स हैं, अगर आप पे कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो, NCC का सर्टिफिकेट हो, NSS का सर्टिफिकेट हो, तो आप जब एडमिशन लेंगे आपकी मेरिट बनेगी तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा। अब मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताता हूँ सेंट जॉन्स कॉलेज के सारे कोर्सेज का। अगर आप BA BCom करना चाहते हैं तो देखिए इसमें बॉयज और गर्ल्स की अलग अलग फीस है। अगर आप BA करना चाहते हैं तो 4190 रुपीज लगेंगे, और गर्ल्स हैं तो 4058 रुपीज लगेंगे। ऐसे ही BA के अलग अलग कोर्सेज की फीस दी हुई है। और अगर आप BSc करना चाहते हैं तो 4780 रुपये बॉयज को फीस देनी पड़ेगी और 4648 रुपये गर्ल्स की फीस होगी अलग कोर्सेज की। सारे कोर्सेज की फीस मैं नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो करके वीडियो पॉज करके फीस देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक कोर्स की फीस बताऊंगा। MCom आप करेंगे तो 4448 रुपये फीस है बॉयज़ की, और गर्ल्स की 4268 रुपये। एंड MSc की बात करें तो बॉयज़ की 5243 रुपये फीस है और गर्ल्स की 5063 रुपये फीस। इसके अलावा भी थोड़ी सी कुछ रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह आपकी लग जाएगी। और अब चलिए मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात करता हूँ। गर्ल्स हॉस्टल का जो रूम रेंट है ये ईयरली रूम रेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ईयरली फीस है, वन टाइम फीस आपको पेमेंट करनी है। रूम रेंट 6000 रुपये आपको पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे करना है, मेंटेनेंस चार्ज, ये सारी चार्ज को मिला ले तो 16000 रुपये फीस आपको एक ईयर के लिए हॉस्टल फीस पे करनी होगी गर्ल्स हॉस्टल के लिए। चलिए बॉयज हॉस्टल की और मैं बता देता हूँ। अगर बॉयज हॉस्टल की मैं बात करूँ तो बॉयज हॉस्टल की जो फीस है वो है 13500 रुपये फीस आपको एक साल के अंदर जमा करनी है, वही पूरी फीस आपको जमा करनी है। इसके अलावा थोड़े से एक्स्ट्रा चार्ज आपको देने हो सकते हैं। और ये टाइमिंग्स है, ब्रेकफास्ट कब मिलेगा, लंच कब मिलेगा, प्रेयर टाइम, डिनर टाइम, ये सारी। और ये सारे एम्यूनिटीज हैं जो कि आपको हॉस्टल में मिलेंगे, टेलीविजन, ऑडियो, गेम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, कम्युनिटीज, ये सारी चीजें। और ये कुछ अलग से फीस है, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, ये भी आपको देनी होगी। सो आई होप अब आपको सारी जानकारी मिल गई होगी सेंट जॉन्स कॉलेज की, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कितनी फीस है,
क्या कितने हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल की फीस कितनी है, टोटल फीस आपको सब कुछ आइडिया हो गया होगा। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको इस वीडियो में दे दूंगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगरा कॉलेज और आरबीएस कॉलेज की ही इस तरीके की मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहां से आप सेंट जॉन्स और आरबीएस और आगरा कॉलेज की भी ऐसी ही वीडियो देख सकते हैं। मैं आपके लिए आगरा यूनिवर्सिटी और आरबीएस, सेंट जॉन्स और आगरा कॉलेज से जुड़ी वीडियोस लाता रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या कि नेक्स्ट टाइम इससे जुड़ी और वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, साथ के साथ अपने दोस्तों का शेयर भी करना। जय हिंद, जय भारत।